पीएम मोदी को शालीनता की भाषा बोलनी चाहिए, जो शालीनता की जो भाषा जो पीएमओ की भाषा होती है। आज तक हम जितने पीएमओ के साथ भी रहे, गवर्नमेंटों में भी रहे, हमने देखा है कि पीएम की भाषा क्या होती है, ठीक है ना। इनको 1,73,00,000 का जो कर्जा है, पहले वो देश को बताना चाहिए, उधर ना ले जाके ना महंगाई के बारे में बात होती, ना शिक्षा के बारे में बात होती है, मतलब ना नौकरियों के बारे में बात होती है, किसी कोई मतलब विकास की तो कोई बात ही नहीं होती। हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा, अब लोग समझ चुके हैं हिंदू मुस्लिम को ना। देश की जनता को 1,73,00,000 का हिसाब बताए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का हिसाब बताए पीएम को, उसके बाद में ये हिंदू मुस्लिम बताए कि ये हिंदू मुस्लिम है। और जो कांग्रेस का जो मैनोफेस्टो आया है, मैनोफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसी का मंगलसूत्र उतार लेंगे। जब यहाँ मुगलों का रास्ता, जब तक तो किसी ना कुछ किसी का उतारा नहीं, जब बहन बेटियाँ सुरक्षित थी, आज इनका है तो देश की बहन बेटियों की रातों रात जलवाई दिए जाते हैं, जलाई जाती हैं बहन बेटियाँ, आज इनका राज है तो। और ये कह रहे हैं कि मुगलों का रास्ता, जब तक कुछ नहीं हुआ, और यही लोग इनकी दावेदारी बजाते थे, यही चौकीदारी करते थे इनकी, हुआ इनकी बेटियों के साथ कभी? आज इनके राज में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और फिर ये हिंदू मुस्लिम क्योंकि किनको बगलाने चाह रहे हैं, जो आजकल के नौजवान हैं, जो बच्चे जो जिन्हों इतिहास को उल्टा पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चों को हैं पीएम है पीएम की जाए, उनको शालीनता की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। इतना कर्जा हुआ।